आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, सर्वप्रथम इसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। ये 21वीं सदी का भारत का सौभाग्य है कि देश का ऐसा नेतृत्व मिला है जो मानता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देश में पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो कहती है कि हर सिर को पक्की छत मिले, हर बसावट को पक्की सड़क हो, सबको साफ पानी पीने का पानी मिले, सबको गैस मिले, सबको शौचालय मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको पोषण मिले आदि आदि। क्षेत्र संप्रदाय जाति ऊंच नीच के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, हर योजना एक निश्चित लक्ष्य के साथ एक निश्चित टाइम फ्रेम में इनसे ज़्यादातर लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, कुछ हासिल होने के करीब हैं। शुरुआती 5 साल में जो कुछ हुआ एक तरह से विकास की गाड़ी सरपट दौड़ाने के लिए रास्ता बनाने की तरह था, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी थी। बीच में वैश्विक महामारी कोरोना की स्पीड ब्रेकर का काम किया, लेकिन अब हम दोगुनी स्पीड से दौड़ने के लिए तैयार हैं। देश का नेतृत्व भी ऐसे हाथों में है जो ना खुद हाथ पर हाथ धरे बैठेगा, तो अब हम समय देने हमारी यात्रा शुरू हो आत्मनिर्भर भारत की। इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबकी भूमिका तय है। सरकार हर क्षेत्र में उसकी क्षमता, दक्षता और कुशलता के अनुरूप इस भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश दुनिया की स्थापित मठाधीशों की बराबरी में आने की या उनसे निकलने की आगे निकलने की कोशिश करता है, साजिशें शुरू होती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे षड्यंत्र होते हैं जो आगे बढ़ने वाले देश की रफ्तार को रोकने की कोशिश करते हैं। समस्याओं का जाल बुना जाता है, फर्जी, काल्पनिक, गैर जरूरी मुद्दे खड़े कर देश को अलग अलग क्षेत्रों में, समुदायों में असंतोष उत्पन्न करने की कोशिश होती है। मौजूदा परिदृश्य में मैं उसी तरह की साजिशें भारत के खिलाफ होते हुए देख रहा हूं। क्षमा करें, मुझे ये कहने का कोई हिचक नहीं, हमारे देश में एक जमात उस साजिश में सहयोग कर रही है। साथियों, एक बात अवश्य मैं कहना चाहूँगा, मैं जिस प्रदेश में आया हूँ उस प्रदेश की थोड़ी सी भूमिका आपके समक्ष में रखने का प्रयास जरूर करूँगा। भोरा भारत 1947 में देश आज़ाद हुआ था, किंतु जम्मू कश्मीर हमारा प्रदेश उस समय गुलाम नहीं था। महाराजा हरि सिंह जी की ये हुकूमत थी, वहाँ हुकूमत ठीक ठाक से चल रही थी, किंतु उस देश को किस प्रकार से, किन हाथों से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा शेख अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाकर, किस प्रकार जिनके धारा 370 लगाकर देश को अलग थलग दिखाने का प्रयास किया गया, अगर उन दोनों में दोस्ती ना होती तो ये देश भी जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे यानी कि 563 रियासतें एक ही झटके में एक साथ मिला दी थी, ये देश भी उसी के साथ मिलता। ये धारा 370 की वजह से हमें पाकिस्तान द्वारा, बाकी देशों द्वारा जिस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए वो हम सब ने देखे हैं। अभी हमारे आदरणीय नंद शर्मा जी बोल रहे थे, हम तिरंगे का अपमान सहन नहीं कर सकते, देश की बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि 1957 के पहले
कि जम्मू कश्मीर में क्या हालत थी। वहाँ पे दो विधान, दो निशान और दर प्रदान हुआ करते थे। निशान दो यानी कि तिरंगा जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं था। जब भारत का संविधान वहाँ पे एंटर नहीं था, वहाँ का यानी कि प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री वहाँ का अलग होता था और भरे पूरे देश का अलग होता था। क्या ये रचना यानी कि किसने रची? क्या उस समय के प्रधानमंत्री इस चीज को तोड़ नहीं सकते थे? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 563 रियासतों को जोड़ सकते थे तो जम्मू कश्मीर को भी जोड़ सकते थे। उन्होंने जोड़ने का भरपूर प्रयास भी किया, किंतु नेहरू जी द्वारा ये कहा गया, आप जम्मू कश्मीर को हाथ मत लगाइए, बाकी मैं सारा से देख लूँगा। वो देखने की बारी ये आई कि पूरा जम्मू कश्मीर जिस प्रकार आंदोलन जिनके आंदोलन तो हुआ, पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी द्वारा नेतृत्व दिया गया और देश जन के जिस प्रकार हमारा आगे बढ़ा, वो प्रदेश आगे बढ़ा, प्रदेश एकत्रित हुआ और प्रदेश को आखिरकार 1953 तक लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। वहाँ हमारे यानी के सैकड़ों नौजवान शहीद हुए, हमारे यानी के लाखों के हिसाब से लोग यानी के सड़कों पर सोए रहते थे, लाखों के हिसाब से इस प्रकार आंदोलन में दिन रात जो ये बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ होती है, बर्फ को उनको लटाया जाता, यात्राएं दी जाती थी। किस प्रकार, किस लिए? कि एक हाथ में संविधान होता था, एक हाथ में विधान होता था, एक हाथ में यानी कि तिरंगा होता था। क्या निशान और विधान की लड़ाई जम्मू कश्मीर में आसानी से प्राप्त नहीं की? उन्होंने बड़ी जन के जिस प्रकार का प्रयास किया, जिस प्रकार की यात्राएं सहन की, जिस प्रकार की शहादत दी, तब तक यानी कि ये जम्मू कश्मीर 1953 में केवल मात्र एक चीज के लिए केवल हमें प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री तो मिला, लेकिन संविधान और निशान हमें तब नहीं मिला। ये विधान और निशान ये हमें कब मिला? हम पिछले जन के सत्र में बैठे हुए थे 5 अगस्त 1919 को, जबकि धारा 370 समाप्त करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जे इनके संकल्पित है, संकल्प करती थी कि अब हम भारत के साथ इस जम्मू कश्मीर को पूरी तरह विलय करने के पक्ष में हैं। उन्हीं के जन के एक मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो काम करते थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जिस प्रकार से इनके जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए, एक बार तो वो जम्मू कश्मीर गए, पहली बार जाने के बाद वहाँ जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, जिस प्रकार दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में जाने के लिए अपने हाथ में आपको वीजा लेना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर आप ऐसे नहीं जा सकते थे। आज यहाँ के तुरंत यहाँ पे बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, जहाज में बैठेंगे, तुरंत जम्मू कश्मीर पहुँच जाएंगे। पहले आप जा नहीं सकते थे, आपको रोका जाता, आपका परमिट बनाया जाता, परमिट बनने के बाद आप जम्मू कश्मीर में घूम सकते थे, अन्यथा जम्मू कश्मीर में आप जा नहीं सकते थे कहीं नहीं। आज जिस प्रकार माता वैष्णो देवी जाने के लिए लाखों लोग जाते हैं दर्शनों के लिए, अमरनाथ की यात्रा जाने के लिए लाखों लोग जाते हैं, कश्मीर में यानी कि हम कहें पर्यटक जो है हमारे, वो यानी कि हजारों के हिसाब से जाते हैं, वो ऐसे किस प्रकार से जा रहे हैं, ये किन की बदौलत जा रहे हैं? ये केवल और केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर आंदोलन उस समय ना हुआ होता तो हम आसानी से जा नहीं सकते थे। इसलिए हमने भरपूर प्रयास करके जिस प्रकार का वो हालात बनाए और बनाने के बाद जन के ये दो विधान, दो निशान और दो प्रधानों को खत्म करने के उपरांत एक विधान होगा पूरे देश में, एक निशान होगा पूरे देश में, एक जन के इस प्रकार तीनों चीजों को एक करने का प्रयास जिस प्रकार से हमने किया वो हम सब जानते हैं। ये हमने सुना होगा, क्योंकि हम कहते हैं हर समय अलाप होता है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर को जानने का प्रयास तो कीजिए कि जम्मू कश्मीर है क्या चीज़। ये आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक जन के रियासत होती थी और एक रियासत जन के महाराजा हरि सिंह इसके हुक्मरान थे। और अगर आज देखा जाए तो कम से सबसे बड़ा क्षेत्र, दो तिहाई क्षेत्र जो है वो लद्दाख का है, और इसमें जन के कम क्षेत्र जन के अगर पड़ता था तो वो जम्मू का था, और बहुत सा छोटा सा क्षेत्र जो है वो कश्मीर का है। केवल मात्र कश्मीरियत को खुश करने के लिए वहाँ पे जन के क्यों ना जन के भेदभाव, पक्षपात,
की नीति उभरी, उसका कारण क्या रहा कि हमेशा 1947 से लेकर आज तक जितने भी जन के अपने जिनके मुख्यमंत्री रहे, चाहे शेख अब्दुल्ला रहे होंगे, चाहे बख्शी गुलाम अहमद रहे होंगे, चाहे जिनके मुफ्ती महबूबा रही होगी, चाहे मुफ्ती साहब रहे होंगे, चाहे सादक साहब रहे होंगे, चाहे जिनके कासिम साहब रहे होंगे, सारे के सारे कश्मीरी हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने हमारे हमेशा जम्मू कश्मीर साथ भेदभाव किया और जम्मू को हमेशा इग्नोर करने का प्रयास किया। जम्मू को जिनके कुछ भी देने का प्रयास नहीं किया, किसी प्रकार का डेवलपमेंट वहाँ पर कराने का प्रयास नहीं किया। जितना पैसा केंद्र से जाता था, जितना टैक्स यहाँ से इकट्ठा कर जाता था, उसमें से लगभग 80% क्षेत्र जो एरिया एजेंट के पैसा जो था वो कश्मीर में लगता था, 2% मुश्किल से लद्दाख में लगता होगा, लगभग 75% तक ये पैसा जो है वो डेवलपमेंट के लिए केवल मात्र कश्मीर में लगता था। इतना बड़ा एरिया को बिल्कुल इग्नोर करना, जिनके लद्दाख को इग्नोर करना, जम्मू को इग्नोर करना, अब कब तक इग्नोर करते रहोगे? अगर इसी प्रकार इग्नोर किया गया हो तो आप जानते हैं कि किस प्रकार की बातें पनपती हैं, किस प्रकार के इनके लोग जिनके उतावले होते हैं, किस प्रकार का प्रकार इनके लोग जो है आंदोलित होते हैं, किस प्रकार जो देखा जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें, विस्तार के जम्मू कश्मीर पर इनके विचार करें, जम्मू कश्मीर के इतिहास को हम पढ़ने का प्रयास करें, तो पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में आज तक होता क्या रहा है, जम्मू कश्मीर को अलग क्यों दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर जिनके ऐसा क्षेत्र था जिसको हम कहते हैं कि आज भी जिसके भारत माँ का मुकुटमणि है, भारत माँ का इनके जिसको कह के सबसे बड़ा अगर पर्यटक स्थल कोई है पूरे जम्मू इंडिया में तो इनके जम्मू कश्मीर में है, तो हम जाने के लिए ललायत रहते हैं। इस प्रकार उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से अगर चर्चा करें तो आज तक देखा गया है कि हमेशा जम्मू इग्नोर रहा है। अब कि जिनके 5 अगस्त 1919 को जिस प्रकार जिनके धारा 370 को समाप्त किया गया और उसके बाद आपने देखा होगा कि सबसे पहले भाई जिनके हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया था कि जम्मू को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पैसा जो है मुहैया करवाएंगे, उसकी डेवलपमेंट कराएंगे, उसका विकास कराएंगे। मैं अगर छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखूं तो जम्मू में सबसे ज़्यादा 28,400 करोड़ रुपया यानी कि दिया है केवल मात्र इंडस्ट्री लगाने के लिए। आज तक जम्मू में एक इंडस्ट्री थी HMT, वो भी बंद हो चुकी है। यानी कि टैगन टेक्सटाइल मिल है यानी कि बिरला वालों की, वो भी एक छोटा सा यानी कि अंश उसने शुरू किया हुआ। अदरवाइज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, छोटे छोटे उद्योग हैं जो उद्योग कहे नहीं जा सकते, जैसे घरेलू उद्योग रहते हैं। इस प्रकार अगर घरेलू उद्योगों को छोड़कर बड़ी कोई इंडस्ट्री लगाई जाती, बड़ा कोई उद्योग लगाया जाता, बड़ी कोई बात होती, तो वहाँ के 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। वो क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री तो है नहीं। इंजीनियर जो हैं वो कहाँ जाएंगे? जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो कहाँ जाएंगे? बाकी क्षेत्र के लोग यानी कि कहाँ जाएंगे? अगर ये पैकेज जो दिया गया है वहाँ पर अगर इंडस्ट्री पनपती है तो पनपने के बाद ये लगेगा कि वहाँ के यानी कि हमारा नौजवान वही जन के स्थापित होगा, वही सर्विस करेगा। अन्यथा आज तक होता ये रहा है, पढ़ना वहाँ, लिखना पढ़ना, और सारे मैक्सिमम लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आते थे। माननीय मन्हास जी, कंक्लूड करिए, आपका समय पूरा हो रहा। यानी कि उसी के बाद ये सारी चीज़ें यानी कि वहाँ पे अलग से यानी कि आती थी। इस प्रकार अगर जम्मू को और यानी कि अच्छा बनाया जाए, कश्मीर को और अच्छा बनाया जाए, तो हम बहुत सारे यानी कि अपना GST अपने यानी कि टैक्स वसूल कर सकते हैं, अपने जम्मू कश्मीर को बढ़ावा दे सकते हैं। आज तक ये चीज़ें हमें नहीं मिली, केवल मात्र यानी कि जो कहा गया कश्मीर आप जिंदा रहो कोई बात नहीं, हम भारत से यानी कि सारी चीज़ें देने को तैयार हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें होती रही हैं। अगर हम आराम से ये सारी चीज़ें कर पाते, कुछ ना कुछ जन के जहाँ का बन पाता, इसलिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। कृपया कंक्लूड करिए, आपका समय खत्म।
एक दो मिनट में दो मिनट नहीं, आप ऑलरेडी अधिक ले रहे हैं, जल्द खत्म करिए। अभी जन के सारी चीजें जिस प्रकार आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का वो क्षेत्र है वहाँ के क्षेत्र में वहाँ पे पैसा जन के जिस प्रकार अभी लगाया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर का भला हो सके, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सके। आपने मुझे मौका दिया, समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।